प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ्स वर्कशीट नंबर 10 जिसमें एक विधि जो दो समीकरणों को हल करने के लिए एक विधि एक नियम बताया गया है जिसको कहा जाता है प्रतिस्थापन विधि। हमारे पास दो समीकरणों को हल करने के लिए चार तरीके होते हैं, चार विधि होती हैं, जिसमें पहले को हम एक ग्राफिकली कहते हैं, ग्राफ से करते हैं। दूसरा जो है प्रतिस्थापन है, तीसरा विलोपन विधि है, और चौथा जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहलाता है, लेकिन वो अभी इस बार आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो ग्राफिकली ऑलरेडी पिछली वीक वीडियो में हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि और उसके बाद होगा विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना होता है कि हमारे पास यदि दो समीकरण दी गई हैं तो उनमें से एक किसी भी समीकरण से एक्स या वाई का मान हमें निकाल के दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना होता है। हमारे पास दो विधि हैं किसी भी समीकरण को, दो समीकरणों को हल करने के लिए। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि। और हम क्या इसमें प्रतिस्थापित करते हैं, जैसा कि आपकी वर्कशीट में क्वेश्चन भी हैं। तो पहला क्वेश्चन, तो पहले सबसे पहले ये हो गया कि आपके पास कौन से दो रैखिक दो नियम हैं, दो विधि हैं जिनसे तुम समीकरणों को हल कर सकते हो, बीज गणितीय विधियाँ हैं। तो वो मैं पहले लिख चुका हूँ, दोनों एक प्रतिस्थापन है और एक विलोपन विधि है। दूसरा क्वेश्चन भी लिखा है, प्रतिस्थापन विधि में हम क्या प्रतिस्थापित करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में हम किसी भी एक समीकरण से देखेंगे कि एक्स या वाई का मान आसानी से हम निकाल सकते हैं और उसका एक्स या वाई का मान दूसरी समीकरण में रख देते हैं, जिससे एक चर वहाँ से हमारा हट जाता है और एक चर बचता है जिसका मान हम आसानी से निकाल पाते हैं। जब उस चर का मान एक का निकल जाता है तो उस चर के मान को हम पुनः उसी समीकरण में रख देते हैं जिससे उसको प्रतिस्थापित किया गया था। अब उदाहरण आपकी इस वर्कशीट में दिया गया है, मैं इस क्वेश्चन को ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चन आपको करना है उसी क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। तो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो समीकरण है उसको हमने नंबर एक और नंबर दो लिख दिया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2x + y = 21 है और यहाँ 3x + 5y = 49 है। इसमें एक्स या वाई का गुणांक किस में मिनिमम है, कम है। यहाँ आप देख रहे हो कि एक्स का गुणांक यहाँ 2 है और यहाँ वाई का गुणांक 1 है। तो इस समीकरण से आसानी से आप कर सकते हो कि यदि हम फर्स्ट समीकरण को लें तो 2x + y = जो 21 था, इसको आप y = 21 - 2x लिख सकते हो और इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2x को इसके दाईं तरफ शिफ्ट कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। 2x को हम आसानी से उधर ले जा सकते थे क्योंकि y का गुणांक 1 है, तो वो हम आसानी से उसको बाई तरफ रखें और x को उधर शिफ्ट कर दें। यदि हमारे पास कहीं x का गुणांक 1 होता तो x को बाई तरफ रखते, y को उधर कर देते। तो हमने आसानी से 2x को उधर से प्रतिस्थापन कर दिया, बदल दिया। अब क्या करेंगे, इस y का मान हमें समीकरण 2 में रखना पड़ेगा क्योंकि 1 से तो ये निकाला। अब y का मान 2 में रख देंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापन करने पर इसको हम प्रतिस्थापन भी कह सकते हैं, प्रतिस्थापन कह दो। इसमें हमारे पास प्रतिस्थापन करें या हम रखना कहें एक ही बात है। तो यहां हमारे पास y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर अब हमें क्या मिला कि y को यहां रखेंगे, हमारे पास आएगा 3x + 5 और y का मान जो 21 - 2x था वो यहां रख देंगे और बराबर में क्या है,
उनचास है। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आएगा 3x प्लस 5 से 21 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, और यदि हम 2 में 5 गुना करेंगे तो 10x आएगा और ये 49 आ जाएगा। अब ये 3 और ये 10 माइनस का 7x आ गया, लेकिन अब आप देखोगे 105 को उधर ले जाओगे तो क्या होगा, माइनस का 105 हो जाएगा, माइनस 7x होगा, और यदि हम यहाँ माइनस करते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास इसमें से, फिर यदि हम माइनस करेंगे 15 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा 6, और यहाँ से आपके पास 9 बचा, 9 में से 4 गए तो ये 5 आ गया और माइनस भी आएगा। अब यहाँ एक्स का मान निकालेंगे तो माइनस 56 बटे माइनस 7 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल करेंगे और 7 से भाग कर देंगे तो ये आएगा 8, तो एक्स का मान आ गया 8। अब आप क्या करेंगे, यहाँ आप लिख देंगे इसके आगे एक्स का मान कहाँ रखना है, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में यदि रखते हैं तो क्या होगा, 3 आपके पास y बराबर है 21 माइनस 2x। अब यहाँ आप यदि x का मान 8 रखा है, निकाला है, तो यहाँ रख देंगे तो 21 माइनस 16 हो गया, और 21 माइनस 16 कितना हो जाएगा आपके पास 5 होगा। तो अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, आता है x बराबर 8 और y बराबर 5, इसका आंसर हो गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, आप आसानी से इसको देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो x और y के मान हम निकाल चुके हैं कि x और y का मान क्या है। अब इसको चेक करना हो तो चेक कर सकते हो, कैसे चेक करेंगे ये भी बता देते हैं। हमारे पास पहली समीकरण क्या है, चेक करेंगे यदि, तो पहली समीकरण हमारे पास है 2x प्लस वाई बराबर 21। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 2x प्लस वाई है, x और y के मान याद रख दो, 2 गुना 8 प्लस 5, 2 अट्ठे 16 प्लस 5 बराबर 21, और देखो राइट हैंड साइड आ गई या नहीं, आ गई, तो हमने चेक किया, हमारा आंसर भी आ गया। इस टाइप से आपके पास ये प्रतिस्थापन विधि जो आप कर रहे हैं इसको आप कंप्लीट कर लेंगे।